तो आज हम लोग पढ़ेंगे और हम आयोडीन आयोडीन ऑफ गोल्ड और मिनरल किंगडम का है। ये एक्चुअली किस काम में आता है, कौन कौन सा डिजीज में देखा गया है। वैसे तो आप सब डिजीज में यूज कर सकते हैं, लेकिन दीज आर द मेन। लैरिंग्स स्पैजम, श्वास के नली से सिकुड़ना, ठीक है। पैरालिसिस, पार्शियल पैरालिसिस। सेनाइल, ओल्ड एज में, सिफिलिट में। अब ओल्ड एज में क्या होता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट में ये काफी अफेक्टिव है। थायराइड एनलार्ज, स्पेशली राइट साइड का अगर एनलार्ज होता है तो राइट साइड एनलार्ज में एक हिपरसेल भी है, याद रखना। पल्स रैपिड, आई प्रोट्यूड, थोड़ा निकला आयोडीन है तो निकला हुआ रहेगा। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टरी में डिपॉजिट होना। ल्यूकेरिया वाइड डिस्चार्ज, लूपस, मायोमेटा यूटेरस, ओस्टाइटिस, जो कि ऑरम है इसलिए हड्डियों में सूजन रहेगा। ओवेरियन सिस्ट, ओजिना, पाल्पिटेशन, पेरिकार्डियाइटिस एंड वाल्वुलर हार्ट डिजीज, ठीक है। माइंड, अब जनरल हम लोग मैथमेटिका पढ़ाते हैं। एज होल लेने के बाद क्या होता है कि आप समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको ऑरम मेट चाहिए, तो ऑरम आयोड चाहिए। माइंड कॉजलेस चीयरफुलनेस, गेटी हैप्पीनेस एंड टेंडेंसी, इंसेनिटी मैडनेस विथ हार्ट एनलार्जमेंट, एंजाइटी विथ पाल्पिटेशन, डिमेंशिया ऑफ ओल्ड पीपल। देखो, इट इज डिमेंशिया इन ओल्ड पीपल, एक्साइटेबल टेंडेंसी। इंसेनिटी ओल्ड पीपल, ड्रीम एंशियस, एंजाइटी एंड डार्क ऑफ द रीजन ऑफ द हार्ट, एग्रावेशन एट नाइट, ड्रीम एमोरियस, फ्राइटफुल एंड विविड, चीयरफुल पैक्सिमल। कंपनी एवर्सन टू मेंटल वर्क, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ, कंफ्यूजन ऑफ माइंड इन द मॉर्निंग, कॉन्शियसनेस अबाउट ट्रेफल्स, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी एंड अबाउट रिलीजन, फियर इन क्राउड और एविल ऑफ पीपल, ड्रेड ऑफ वर्क, टेंडेंसी टू हरी, इम्पेशेंट, इंडोलेंस एंड एवर्सन टू वर्क, इंसेंसिटिव विद रेड फेस विद हार्ट, एकदम पूरा पागलपन जैसा, पूरा जोर से चिल्लाना, लाल फेस होना हार्ट एनलार्जमेंट के साथ में, इरिटेशन, मेनिया एंड मैडनेस, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, नर्वस टेंडेंसी, मूड अल्टरनेट विद चेंजेबल मार्क, पोस्टेशन ऑफ माइंड, मोरोज चिड़चिड़ापन, सल्की, मोर क्रॉस, फ्रेटफुल इन हमर, पीवीस, सैडनेस, डिस्पोंडेंसी, डिप्रेशन एंड मेलनकोली, सेंसिटिव एंड ओवर सेंसिटिव टू नॉइज, टिमिडिटी, टेंडेंसी फॉर वीपिंग एंड टीयरफुल मूड। नोज, कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण है, नोज अल्सर इन प्रूलेंट डिस्चार्ज, नोज डिस्चार्ज येलो एंड ऑफेंसिव, थिक एंड प्रूलेंट, ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, नाक में ब्लीडिंग आना, प्रूलेंट डिस्चार्ज होना, येलो एंड ऑफेंसिव। एपिटाइट इंक्रीज्ड, कैनी हैंगर एंड रिवेंसेस, भूख बहुत भयंकर रहेगा। विजोर आयोडीन भी है और ऑरमेट भी है, तो ऑरमेट दुखी भी है और आयोडीन एपिटाइट हैंगरी भी है। कॉन्स्टिट्यूशन इन द चेस्ट, हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट, पाल्पिटेशन ऑफ द हार्ट इज ट्रम्बलस, वायलेंट एंड बॉयलेंट, ऑपरेशन ऑफ द चेस्ट, छाती में दबाव का महसूस होना। टेस्टिस, एकिंग पेन, नींद ड्यूरेशन, स्वेलिंग एंड एट्रोपी, स्वेलिंग, सूजन और एट्रोपिक में सुखड़ापन भी रहेगा। हीट इज जनरल, हीट सेंसेशन ऑफ, इंड्यूरेशन ऑफ द ओवरीज एंड यूटेरस एंड येलो ल्यूकेरिया, डिजायर फॉर ओपन एयर, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरटेंशन, ये देखो हाइपरटेंशन ड्यू टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, बहुत ही जानदार सिम्टम है। येलो म्यूकस सिक्रेशन, ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लड, एक्सप्लोनिक्स एंड प्रोट्रूशन, गोइटर, थायराइड ग्लैंड बढ़ा हुआ रहना, जनरली राइट साइड होने से देन यू थिंक दिस वन।
Constipation is alternating with diarrhea. Thus, extreme burning vehement, pulmonary edema and constriction of heart, chronic inflammation of the pericardium, palpitation of the heart at night with anxiety, aggravation is slightest exertion and motion, urine albumination, syphilis be profuse and increased, and sleepiness. Gout of joints. Female genital sterility with leukorrhea, inflammation of the uterus and the ovaries, cystic tumor of the ovaries and fibroids of the uterus. Cancerous affection and crash in the bone. Congestion of blood internally and the glands, distension of blood and vessels. Sensation of internal constriction, sensation of bed. Dropsy in internal and external. External and internal swelling bhi rahega. और मालूम पड़ेगा बैंड से पूरा दबा रहा है, सेंसेशन ऑफ इंटरनल कॉन्स्ट्रिक्शन, अंदर से कोई दबा रहा है, संकुचन कर रहे हैं. डिजायर अल्कोहल, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एवर्सन फूड इन जनरल, लॉथिंग फॉर फूड, इंड्यूरेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड, इन्फ्लेमेशन इंटरनली एंड बोन्स एंड सीरियस मेम्ब्रेन्स. Numbness internally, single part of the affected part. Pain, sore, stitching, pressing, burning, tearing internally and externally. Plethora, pulsation internally, pulse frequent, accelerated, elevated and exhausted and fast, innumerable, rapid. Sensation of swelling of glands, that is in syphilitic stage. Trembling externally, weakness, inflammation and exhaustion, prostration, infirmity of the morning. Tuberculosis, lupus or vulgaris. Face blotted, red and pale, discoloration, pimples, eruption on the nose, pain of the submaxillary gland, smell wanting. Smell chale jana. Aur submaxillary gland mein swelling hona, pain hona. Nose, swelling and red, discoloration, boring pain, dryness inside the epistaxis, obstruction, angina, sneezing, catarrh, coryza, dry or with फ्लुएंट डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज, ब्लडी, ग्रीन, हार्ड एंड ड्राई. कान का कैसा होगा, देखो कान का हियरिंग, एक्यूट टू नॉइजेस, वांटिंग डिस्चार्ज, फिटेड एंड प्रिवलेंट स्टिचिंग पेन, नॉइज लाइक बजिंग, हमरिंग एंड रिंगलिंग एंड रोरिंग इन द ईयर. मैंने इट इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर टिनाइटिस ऑल्सो. आई रेड, डिस्कलरेशन, इन्फ्लेमेशन, एस्क्लेरोपेस, सिफिलिटिक लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, प्रेसिंग एंड स्टिचिंग पेन, आयराइटिस, केट्रा फ्रॉम द कॉल्ड, विजन डीम, डिप्लोमिया, डबल दिखना, फोगी स्पार्क, ब्राइट कलर बिफोर द आईज, हेडेक, जनरली लेफ्ट साइडेड हेडेक, वन साइडेड टियरिंग इन द टेम्पल्स, एग्रेवेशन इन मॉर्निंग, एमरेशन बाय कोल्ड एयर, कोल्ड एप्लीकेशन एंड प्रेसिंग एंड स्टिचिंग पेन, हेड फ्लशेस, हैवीनेस, इचिंग स्कैल्प, पर्सिस्टिंग फोरहेड एंड वर्टिगो. Retention of urine and increase the frequency of urination, dripping of the urine by the drop. But drop, pishab na hona, drop, pishab hona, that is the main aurum iodatum ka lakshan hai. Stool hard, knotty, offensive and profuse, difficult stool, diarrhea in the morning, burning pain in the rectum, flatus, inactivity of the rectum and external hemorrhoids. Abdomen, atrophy and large of the liver and elements of the liver, obstructed, flatulence, rumbling noises, tape, mesenterica, abdomen pain after eating and during menses, dekho. Abdomen pain after eating and during menses, right hypochondriac inguinal region, aggravation after eating, during menses, pain, type of pain, cutting, drawing, pressing, burning, cramping in the right side of the abdomen, pain rahega. Stomach distension, emptiness, erection, hiccup, nausea, vomiting and bile pain, burning, cutting and pressing, stitching. Throat, right-sided goiter, pain in cervical realms, swelling of the thyroid glands, burning pain, swelling, difficult mucus and swelling and the uterus. The right-sided goiter idam yaad rakhna. Teeth, elongated sensation, drawing and tearing pain, sweetish shower and fall and putrid taste in the mouth. Mouth apathy, barbar mume ghaavana, brown tongue and red rums,
dryness of the tongue, swelling, ulcer and hemorrhage of the gums, burning pain of the tongue and salivation, chest anxiety in the region of the heart, complaint of heart, hyperemia of heart, inflammation of endocardium, murmurs, valvular disease, suppressed milk, pain on coughing, sudden sharp pain, swelling and axillary gland में swelling होना है, axillary gland में दोनों साइड में, और खांसने पर दर्द होना, expectoration, bloody spitting of blood with heart complaint, difficulty in morning, offensive tart, mucus and yellow color, dry, short and convulsing cold, cough, respiration, acidated, asthmatic, irregular, short inspiration, difficult with heart and complaint on ascending and at night, skin colorless, burning pain, lupus vulgaris, lupus, ऊपर पर गांठें टाइप के बन जाना, cancerous ulcer with yellow discharge, cancerous ulcer with yellow discharge and sensitive herpetic eruption which have a burning and itching, herpetic eruption with burning and itching, eczema of the cervical region, eczema of the cervical region के eczema होना, देखो particular एक symptoms है, extremities, rheumatism pain, tearing, drying in the knee, stitching in the soldier and wrist, pain in the joint of upper limbs, hip coldness and leg, eczema of the forearm, heavy tired limbs, hip joint affection, itching of the lower limbs, weakness of the extremities, dropsy hand and leg and foot, shooting pain in the lumbar, नीचे का हाथ और पैरों में सूजन आ जाना, की नोट जो hoarseness of voice, ulceration of vocal cord, आवाज बैठ जाना, male genital erection, troublesome, impotency, hydrocele, sexual desire is increased, sexual desire increased but erection troublesome, cloudy and offensive urine, profuse perspiration at night and in the morning, chilliness, shaking, shivering rigors, aggravation from bed, restlessness, sleep, waking too early. अब aggravation क्या क्या चीजें से देखो, mental exhaustion से बढ़ जाना, laying in bed, गर्मी से 5 PM to 9 AM, 1 PM to 6 PM, 6 PM to 9 PM, 9 PM to 5 PM में बढ़ जाना, ascending, physical exertion, physical exertion, motion, running, sitting में बढ़ जाना, walking fast में बढ़ जाना, warm air, गर्म हवा से बढ़ जाना, becoming warm in open air, warm bed and room से उसको बढ़ जाना, कमती कब होता है, modalities in open air, cold air, erection and slow walking, स्लो वॉकिंग में रिलीफ रहता है, फास्ट वॉकिंग बोलने से उसको तकलीफ होता है, तो उसी में पहचान सकते हो क्या क्या, रिमेंबर लाइन बाय लाइन पढ़ो, इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड, थायराइड एंड सर्वाइकल एंड टॉन्सिल्स विथ ए सिफिलिटिक और स्क्लेरोसिस बैकग्राउंड, प्रोफाउंड मेलंकोली विद सेंस ऑफ होपलेसनेस और सुसाइडल टेंडेंसी, ये कहां से वर्ड आया दोनों, फ्रॉम ऑरम एड से, ठीक है, क्योंकि ऑरम एंड आयुर्वेद मिक्स है, बोन अफेक्शन स्पेशली ऑफ द नोज विद पेरिस्टल स्वेलिंग ऑफ द पेन, पेरिस्टल रीजन में स्वेलिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम लिंक टू क्रॉनिक कैट्रा एंड ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट, अब उसको एक लाइन में क्या याद रखेंगे, हार्ट ग्लैंड, सैड माइंड्स एंड शोर बोन्स, ये अपने को 1, 2, 3 वर्ड याद रखने से ऑरम आयोग के पास आप पहुंच सकते हो, ठीक है, थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा, हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.